यस yes, मैम सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ लॉर्ड बुद्धा के लिए भी उनको बहुत थैंक्स है और आपको भी बहुत ज्यादा थैंक्स है कि उनके थ्रू मुझे आपसे भी इतना कुछ सीखने को मिला मुझे मैंने कभी जिंदगी में लामा मे, लामा फेरा वर्ड नहीं सुना था लेकिन मैं कुछ लाइफ में ऐसी सिचुएशंस को डील कर रही थी कि आई वाज रियली सर्चिंग समथिंग कि मैं क्या करूं अपने आप को ठीक करने के लिए मुझे ये नहीं था कि मैं किसी को बाहर अटोनमेंट दू या किसी की हीलिंग करूं मुझे था मैं पहले अपने आप को ठीक कैसे करूं बिकॉज एक इंसान जब डूब रहा होता है वो होता है पहले खुद को उठाए बचाए फिर तो किसी की मदद करेंगे हम तो मेरा वो लास्ट सिचुएशन था कि मैं पहले खुद को सरवाइव करने वाली सिचुएशन में एंड मुझे ये वर्ड लामा फेरा आई केम टू नो ऑन द डे ऑफ दुद्ध पूर्णिमा उस दिन पता चला था कि ऐसी कुछ... मैं सर्च की थी रेकी के बारे में रेकी सुना है बहुत कॉमन वर्ड है उसको ढूंढते ढूंढते आई केम अक्रॉस दिस वर्ड लामा फेरा उस दिन मुझे पता चला एंड सेम वही बात है कि बाहर ढूंढो तो कहीं बहुत फाइनेंशियल क्रंच कि वी कैन नॉट जॉइन ऑल दूस क्लासेस और वो क्लासेस को ज्वाइन करके भी क्या होता है कि इतना आपस में टीचर और स्टूडेंट का रैपो बनता ही नहीं है जो बनना चाहिए यू you नो know, जो एक रैपो बनता है लेकिन वो जो मैंने आपके साथ यहाँ पे ज्वाइन किया ना मुझे लगता है कि इट इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग लॉर्ड बुद्धा की कि आई हैव फाउंड यू एज गुरु एक अच्छा गुरु मिलना बहुत किस्मत की बात होती है एंड आई फील वेरी मच ब्लेस्ड कि मुझे आप मिले वेरी थैंकफुल टू लॉक बुद्धा एंड वेरी थैंकफुल टू यू ऑल्सो की आपके थ्रू मुझे इतना अच्छा ज्ञान मिला इतनी अच्छी नॉलेज मिली की कैसे खुद को ठीक किया जाए कैसे खुद को हील किया जाए राइट थैंक यू सो मच मैम अपने बिल्कुल अपने ऊपर काम कीजिए यस मैम एवरी थी थैंक यू सो मच मैम थैंक यू थैंक यू लॉट